सो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ज्योमेट्री की शीट शीट नंबर 2। और देखो यार, ज्योमेट्री ना बड़ा टॉपिक है, तो ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन पढ़ूंगा मैं समय लेके, क्योंकि ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आने, मेंस के पेपर में 100 में से 25 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन करके आएंगे, तो पूरे सिलेबस का 25% बनाते, तो इनको प्यार से पढ़ूंगा। और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा है वो छोटे टॉपिक है, वो 10-15 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है भाई? चल टेंशन ना लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी आर इंटीजर्स, तीन पूर्णांक है एबीसी, एंड साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की साइड है। If AB बराबर 4, then find C. AB बराबर 4, then find C. ABC इंटीजर है, obtuse angle triangle की साइड है, तो आपसे पूछा है साइड C की वैल्यू क्या है, कि साइड C की वैल्यू क्या है, ABC एक obtuse triangle की साइड है और इंटीजर भी है, ठीक है? तो बहुत आसान सवाल है, यदि AB 4 है और इंटीजर है, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? A की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1, और B की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 4, A की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2, और B की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 2। 4 एक है, 2 को आपस में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ट्रायंगल की साइड 2 रहेंगी, चाहे से लिख लो 1-4 ट्रायंगल है, चाहे से लिख लो 4-1 ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो 4-1 साइड का ही है ना, क्लियर है? तो यही दो, अगर ए बी इंटीजर है तो दो ही केस बनेंगे, एक वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 4 हो सकती है, या ए की वैल्यू 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 हो सकती है। अब आपको चेक करना है कि थर्ड साइड की वैल्यू सी क्या हो सकती है, बट ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो साइड सी की जो वैल्यू है तुम्हारी, वो इनके डिफरेंस 4-3 यानी कि 4+1 5 के बीच में लाई करनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं? और सी की वैल्यू जो है आपकी तीसरी त्रिभुज कोई भी जो भुजा होती है, दो भुजाओं के क्या अंतर से तो बड़ी होनी चाहिए, उनके सम से छोटी होनी चाहिए, तो 3 और 5 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करती है? 4 है, इंटीजर, यानी कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? 4 होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल बनेगा, 1-4-4 वाला ट्रायंगल बनेगा। क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है? नहीं, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्यों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या है? 4, और 4 का स्क्वायर जो है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए, जो कि बड़ा नहीं है, यानी कि ये केस तो पॉसिबल है नहीं, ये केस तो पॉसिबल है नहीं। अब देखते हैं हम ये वाला केस, सेकंड वाला, 2x2 वाला। अगर साइड ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो साइड सी की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए तुम्हारी? 2-2 0, और 2+2 यानी कि 4 से बड़ी, 4 से छोटी। सी की जो रेंज है, जो थर्ड साइड है, वो 0 से बड़ी और 4 से छोटी होनी चाहिए, अदर टू साइड के सम से तो छोटी होनी चाहिए और उनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि सी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? सी की वैल्यू 1, 2 और 3 पॉसिबल है। सी की वैल्यू 1, 2 और 3 पॉसिबल है, यानी कि ट्रायंगल की साइड होंगी कैसे? 2, 2 और 1। क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सबसे छोटा है। यदि मैं लूंगा 2, 2, 2, तो क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं लूंगा 2, 2, 3, 2, 2, 3, यानी कि मैं सी की वैल्यू 3 लेके चलूं, तो क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? यस, ट्रायंगल भी पॉसिबल है। और कैसा ट्रायंगल पॉसिबल है? ऑब्ट्यूस, क्योंकि जो लार्जेस्ट साइड 3 है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4+4 होता है 8, यानी कि कैसा ट्रायंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस, यानी कि साइड सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? 3 होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन चेक कर लेते कि कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है? बट मैं आपको कंप्लीट लॉजिक सिखाना चाहता था, तो इस तरीके से कर लोगे। मात्र 20-25 सेकंड का सवाल है, साइड सी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 3। कोई डाउट? 3 होगी, कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यस, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए आप जितने क्वेश्चन है 7-8 आगे के, ये सब आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:7, देन द ट्रायंगल इज। किसी ट्रायंगल के जो एंगल है वो 3:4:7 में दे रखे, तो ये क्या दे रखा आपको? एंगल रेशियो। किसी ट्रायंगल के 3 एंगल इस अनुपात में 3:4:7। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल कैसा होगा? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखते ही बता दो कि चुटकियों में, सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आप एंगल निकालने बैठ के ट्रायंगल के। यहां पे देखो तो सबसे बड़ा एंगल है वो क्या? 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो अदर टू एंगल के सम के बराबर है। ये एक एंगल की जो वैल्यू है, ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो अदर टू एंगल्स के सम के बराबर है। यानी कि ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, इसका एक एंगल यानी कि एंगल बी जो कि 90 डिग्री है, वो अदर टू एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर होता है। यानी कि यदि किसी भी ट्रायंगल में आपको 2 एंगल का सम 3rd एंगल के बराबर मिले, तो ट्रायंगल कैसा होगा? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सवाल पूछ गया कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल 20:21:41 के अनुपात में, तो ट्रायंगल कैसा होगा? देखते ही बता दो कि एंगल रेशियो यदि है तो सबसे बड़ा एंगल अदर टू एंगल के सम के बराबर है, तो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्लियर? चलिए इसके बाद 51, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो देन ट्रायंगल इज गुड। ये आसान सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, क्लियर है ना? PYTHOGOREN like that ना, स्पेलिंग देख लेना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को राइट एंगल ट्रायंगल की इंटीजर साइड्स को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। मतलब
जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। जैसे कि मैं समकोण त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज अगर इसकी साइड 3 सेंटीमीटर लूं और ये साइड 4 सेंटीमीटर लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये साइड कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट 3² + 4² की हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो 3² + 4² = 9 + 16 = 25 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये 3, 4, 5 मिलकर क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये 3, 4, 5 क्या है, इसी को बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट्स। और एक ऐसा ट्रिपलेट है आपका बेसिक ट्रिपलेट है, क्या है, बेसिक ट्रिपलेट है, क्लियर है कि नहीं, क्या है आपका बेसिक ट्रिपलेट है। अगर आपको जैसे बोला जाए कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 है 4 है तो हाइपोटेनस क्या होगा, सबसे बड़ी साइड होगी, तो आप देखते बता दो कि 5 होगी अगर आपको याद है। तो बेसिक बेसिक से ट्रिपलेट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, मेमोराइज याद करना है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट किसी को, ठीक है। और मैं आपको यहां पर कुछ बेसिक से ट्रिपलेट लिख रहा हूं, चलिए, जैसे पहला वाला है सबसे इजी 3, 4, 5, दूसरा है आपका 5, 12, 13, तीसरा है आपका 8, 15, 17, नेक्स्ट आपका 7, 24, 25, फिर आपका 9, 40, 41, फिर आपका 11, 60, 61, क्लियर है, और फिर आपका 20, 21, 29, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 12, 35, 37। ये बेसिक से ट्रिपलेट है, ये आपको याद रखने हैं, क्लियर है ना, मतलब इनमें से कोई भी उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 12, 35, 37, तो आप देखते बता दोगे कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, साइड 37 है, ये साइड आपकी 35 है, तो आप ये साइड क्या होनी चाहिए आपकी 12, साइड क्या जाएगी आपकी 12, क्योंकि 12, 35, 37 क्या बनाते हैं, आपके ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके बेसिक ट्रिपलेट है, इनमें जो सबसे बड़ी साइड है 5, 13, 17, 25, 41, 21, 29, 37 सबसे बड़ी साइड है, यही क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड होती है आपकी हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है, क्लियर है। तो ये सब आपके ट्रिपलेट से आपको याद रखने हैं। दूसरी बात, ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है, ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। जैसे कि मैंने ये लिखा 8, 15, 17, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 1.5, 8 × 1.5 = 12, 15 × 1.5 = 22.5, तो 17 × 1.5 = 25.5, ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रिपलेट है, यानी कि 12, 22.5 और 25.5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाती हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें। अगर मैं लिखूं आपके सामने 3, 4, 5, इसे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 7 से, तो 3 × 7 = 21, 4 × 7 = 28, 7 × 5 = 35, ये भी क्या आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और 21, 28, 35 ड्राइव्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, 21, 28, 35। अगर मैं लिखूं कि 20√3, 21√3, राइट एंगल ट्रायंगल के दो लेग्स हैं, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, फिर आपका 29√3, क्योंकि 20, 21, 29 ट्रिपलेट बनाएंगे, √3, √3, √3 से सब में मल्टीप्लाई है। अगर मैं बोलूं कि 9√7 - 1, 40√7 - 1, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो लेग्स हैं, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 41√7 - 1, 41, क्योंकि 9, 40, 41 तो ट्रिपलेट है ही, हमने √7 - 1 √7 - 1 √7 - 1 से सब में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी क्या रहेगा, आपका ट्रिपलेट ही रहेगा, क्लियर है। तो बेसिक बेसिक सी बातें ये आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है भाई। चले अब आगे बढ़ेंगे, ओके, अगर आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, यदि आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है, ठीक है ना, ऑड नंबर का, यदि आपको किसी ऑड नंबर का ट्रिपलेट लिखना है लाइक 3, तो कैसे, ठीक है ना, मतलब 3 का ट्रिपलेट आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, और 9 को 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए, 9 को 1 के अंतर पे तोड़ दीजिए, तो 9 में से पहले 1 हटा लो, क्या बचा, 8 बचा, 8 को आधा आधा कर दो, 4 और 4, और 1 चुपका दो किसी में भी, 4 और 5, ये होगा 3 जो है 1 के अंतर पे ब्रेक हो गया, यानी कि 3, 4, 5 क्या है आपका ट्रिपलेट है, क्लियर। आपको ट्रिपलेट बनाना है 5 का, क्या बनाना है 5 का, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 को 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए, तो 25 में से 1 हटा लीजिए, क्या बचा 24 को आधा दबा दीजिए, 12 12, 12 में 1 चुपका दीजिए, यानी कि एक साइड रहेगी 12 और एक साइड रहेगी 13, और ये रहेगा आपका 5। आपको ट्रिपलेट बनाना है 7 का ट्रिपलेट बनाना है, क्लियर ना, तो 7 का स्क्वायर क्या करेंगे आप 49 को 1 के डिफरेंस पे ब्रेक करेंगे, तो 1 हटा लो 48, 24 हो गया, तो 1 24 कर देंगे, 24 में 1 जोड़ देंगे 25, तो 7 24 25 ट्रिपलेट हो गया, क्लियर ना। आपको ट्रिपलेट बनाना है लाइक 13 का, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है आपका 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्लियर ना, 169 को 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दीजिए, क्या बचा 168, दैट मींस क्या होता है 84, तो 84 और 184 में 1 वो चुका दिए 85, क्लियर है कि 84 और 85, यानी कि 13, 84, 85 क्या बनाते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का और नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हो, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें, चलिए नाउ। उसके बाद यदि आपको किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना हो, यदि आपको किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना हो लाइक 6 है, ठीक है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 36 आएगा, 36 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपका 18, 36 का हाफ करेंगे तो 18,
स्क्वायर करके हाफ करना पड़ेगा, और 18 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है। स्क्वायर किया, हाफ किया, 2 के डिफरेंस पे किया, 2 स्क्वायर किया पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 के डिफरेंस पे ब्रेक किया, तो 18 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है, तो 18 में से पहले 2 हटा लो, क्या बचा 16, 16 को हाफ बांट दो 8 8 और एक 8 में 2 चिपका दो, तो 8 और 10, तो 6 8 और 10 आपका ट्रिपलेट होता है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? चलिए अगर आपको लिखना है सपोज 8 का, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका 64, 64 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा आपका 32 आएगा, क्या आएगा आपका 32, तो 32 को 2 के डिफरेंस से ब्रेक करना, तो पहले 2 हटा दीजिए 32 में से, क्या बचा 30, 30 को हाफ ऑफ कर दीजिए 15 15 और एक 15 में 2 जोड़ दीजिए, यानी कि एक हो गया आपका 15 और एक हो गया आपका 17, यानी कि 8 15 17 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। बेसिक आपको लिखना है 12 का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर आएगा 144, 144 बाय 2 करेंगे क्या आएगा 72, 72 को 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करेंगे तो 2 हटा लीजिए क्या बचा 70, 70 को हाफ ऑफ कर दिया 35 35 और एक 35 में 2 चिपका दिया यानी कि 35 और 37, तो 12 35 37 क्या हो जाएगा आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हो। आपको ट्रिपलेट बनाना है 20 का, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सपोज 400, 400 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 200, 200 को 2 के डिफरेंस ब्रेक करना तो 200 में से 2 हटा लिया 198, 198 में हाफ ऑफ कर दे 99, 99 और एक 99 में 2 जोड़ दिया तो 99 और 101, 20 99 101, ये ट्रिपलेट होता है 20 का, 20 99 101, जो किसी ने सुना भी नहीं होगा आज तक, और मैंने बताया 20 का ट्रिपलेट का यूज करते हैं 20 21 और 29, दैट मींस ट्रिक भरोसेमंद नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी इवन नंबर में क्या करती है गड़बड़ करती है, ऑड में ठीक चलती है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो 20 21 और 29 भी ट्रिपलेट होता है, 20 99 101 भी ट्रिपलेट होता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सबको बात समझ आई ना? चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सब कुछ समझा दिया, जो बेसिक है वो याद भी करवा दिए, और ये भी बता दें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहता है, फिर भी वो समकोण त्रिभुज क्या बनाएगा, साइड बनाएगा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस दिस दिस, एक ट्रायंगल की साइड इस अनुपात में है 3:1, एक सही 1/4 3 सही 1/4 इस अनुपात में, देन ट्रायंगल इस टू ट्रायंगल कैसा है, तो पहले इसको ठीक करते हैं, इसको इंटीजर में लिखते हैं, 3:4 = 5/4 रेशियो 4 * 12 और 1/13/4 पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये क्या है, ये साइड रेशियो, ये एंगल रेशियो नहीं है क्या, ये दिया आपको साइड रेशियो दिया ट्रायंगल का, तो 4 * 12 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 5 आ गया, 4 से 4 कट गया 13 आ गया, यानी कि ट्रायंगल की साइड क्या है 12, 5 और 13, ट्रायंगल की साइड क्या 12, 5 और 13 और सबसे बड़ी साइड क्या 13, और सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, क्योंकि अभी मैंने याद कराया 12, 5, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कैसा ट्रायंगल है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 52, इफ द मेजर ऑफ द एंगल in a triangle are in the ratio 1:2:3, then what is the ratio of largest side of triangle to the smallest side, what is the ratio of largest side of triangle to the smallest side, theek hai, kisi triangle ke jo angle ratio hai, kisi triangle ke jo konon ka anupat hai wo diya hai 1:2:3, to aapse pucha hai triangle ki jo largest side hai, ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड है और ट्राइंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है जो सबसे छोटी साइड भुजा है, उसका अनुपात क्या है, लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो क्या है। तो पहली बात, यदि किसी ट्राइंगल के एंगल 1:2:3 के रेशियो में, तो वो एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, सबसे पहली बात वो ट्राइंगल आपका समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि 3 = 1+2 त्रिभुज का एक कोण अदर टू कोणों के सम के बराबर, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और 2 और 1 = 3 = 6 यूनिट के लिए होती है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का फल, तो 1 यूनिट के लिए 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री का, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का, यानी कि ट्रायंगल 30 60 90 ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 60 90 ट्रायंगल है, और 30 60 90 ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है एसएससी में, से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, बल्कि एसएससी नहीं हर किसी एग्जाम में 30 60 90 इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी साइड का रेशियो आपको याद होना चाहिए, मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है, पहले मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, फिर मैं आपको सीधे याद करवाऊंगा उसका रेशियो, याद रखना है आपको, एंगल रेशियो दिया 1:2:3, तो ट्रायंगल के एंगल रेशियो 1:2:3 के अनुपात में, तो एंगल रेशियो 1:2:3 तो एंगल है क्या 30 60 90, यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, सो दिस इज द ट्रायंगल ए बी और सी, ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, क्लियर ना, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने सबसे लार्जेस्ट होता है तुम्हारा 2 यूनिट, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है 2 यूनिट, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, यानी कि एंगल रेशियो इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री के सामने होगा हमेशा 1 यूनिट, साइड साइड रेशियो की बात करूं मैं 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने होगा √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने होगा 2 यूनिट, यानी कि साइड रेशियो होगा 1:√3:2, साइड रेशियो होगा 1:√3:2, 30 डिग्री एंगल सबसे छोटा है तो उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी, यानी कि ये वाली साइड सबसे छोटी होगी 1, 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा तो उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी साइड होगी 2, यानी कि लार्जेस्ट साइड 2 और स्मॉलेस्ट साइड 1, तो लार्जेस्ट साइड से स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो क्या आएगा तुम्हारा 2:1, क्या आएगा रेशियो 2:1, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब ये आया कहां से, ये आया कहां से भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि इस एंगल में मैं सपोर्ट 10 30 डिग्री लगाऊं, 10 30 डिग्री, तो 10 क्या होता है तुम्हारा
परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है, परपेंडिकुलर बटे बेस ए बी बाई बी सी, टेन थर्टी डिग्री का मतलब 1/√3, सो 1/√3 बराबर ए बी बाई बी सी, यानी कि साइड ए बी से साइड बी सी का जो रेशियो है वो 1:√3 है, साइड ए बी जो है ये 1 है, अगर साइड ए बी 1 यूनिट है तो साइड बी सी के आपके √3 यूनिट, साइड ए बी से बी सी का रेशियो 1:√3 है, अगर ये 1 यूनिट है ये √3 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा तुम्हारा 2 यूनिट, कैसे √1² + √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1² + 3 1+3 यानी कि 4, और 4 का √ क्या होता है 2, कितना आएगा 2 यानी कि 1√3 और 2 इस अनुपात में होती है आपकी साइड, सबसे छोटी 1, मिडिल वाली √3, सबसे लार्जेस्ट 2, ठीक है ना, आपको याद रखना है, क्लियर है, जैसे ये साइड आपको दे दी सपोज 40 सेंटीमीटर और आपसे पूछा कि साइड बीसी के लिए बताओ, तो ये 2 यूनिट है तो 1 यूनिट के लिए ये क्या होगी 20 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट के लिए है तो √3 यूनिट के लिए क्या होगी तुम्हारी 20√3 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा, जल्दी जल्दी देखना है, फिर से मैं दिखाता हूं एग्जांपल लेकर आपको, ठीक है ना, ओके, ये साइड दी सपोज आपको 5 सेंटीमीटर, पूछा है आपसे इसका और इसका सम बताइए, ये दोनों साइड पूछे, तो ये होता है 1 यूनिट, 30 डिग्री सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री सामने होता है √3 यूनिट, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5√3 सेंटीमीटर, 1 के लिए 5 सेंटीमीटर है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलिए अगर ये दिया है सपोज आपको 30 सेंटीमीटर बीसी, अब पूछा ये हाइपोटेन्यूस बताइए, तो √3 यूनिट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, √3 के लिए 30 सेंटीमीटर, तो 1 के लिए 30/√3 यानी कि 10√3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा साइड ए बी, तो 1 यूनिट है 10√3 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का 10√3, साइड ए सी होता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी जस्ट डबल यानी कि 20√3 सेंटीमीटर, तो ये 30 10√3 20√3, अगर आपको साइड रेशियो पता है तो आप किसी भी साइड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्लियर है, कोई डाउट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था आपका 2:1, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ओके क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्सटेंट बाय विच द हाइपोटेनियस एक्सीड्स वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू दैट बाय विच द बाय विच दैट परपेंडिकुलर साइड एक्सीड्स बाय द अदर परपेंडिकुलर साइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पॉसिबल पेरिमीटर ऑफ द ट्रायंगल इफ ऑल इट्स साइड आर इंटीजर, अच्छा ध्यान से देखना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी, और ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री का है, क्लियर है ना, और ये जो साइड इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल बी है, ये साइड होगी स्मॉल सी, ये साइड होगी आपकी स्मॉल ए, और ये साइड होगी आपकी स्मॉल बी, क्वेश्चन में ये कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जितना एक लंब से दिखे, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो एक परपेंडिकुलर साइड से जितना अधिक है, वो परपेंडिकुलर साइड दूसरी परपेंडिकुलर साइड से उतनी ही अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्सटेंट बाय विच द हाइपोटेन्यूस एक्सीड्स वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, एक समकोण त्रिभुज में आपका हाइपोटेन्यूस एक परपेंडिकुलर साइड से जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है सी माइनस बी ज्यादा है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, वो परपेंडिकुलर साइड यानी कि बी दूसरी वाली परपेंडिकुलर साइड यानी कि ए से उतनी ही मोर है, यानी कि सी माइनस बी बराबर क्या दिया आपको बी माइनस ए, क्लियर, अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें तो माइनस इधर आएगा, तो सी प्लस ए बराबर माइनस का बी उधर चला जाएगा, तो 2b यानी कि बी बराबर आएगा सी प्लस ए बाई टू, बी बराबर क्या आएगा सी प्लस ए बाई टू, यानी कि जो साइड बी है जो सी और ए का क्या है आपका एवरेज है, क्लियर ना, यानी कि अर्थमेटिक मीन है, बी जो है मिडिल वैल्यू है, साइड आप किस तरीके से है ए बी सी बढ़ते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूं, और बी जो है कि आपका अर्थमेटिक मीन है किसका ए और सी का, और ए बी सी क्या है इंटीजर है, तो पूछा कि इनमें से कौन सा पॉसिबल पेरीमीटर हो सकता है ट्रायंगल का, अगर आप ध्यान से देखो यदि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, बी अर्थमेटिक मीन है, तो ये बी बराबर सी प्लस ए बाई टू इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और इंटीजर भी होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा सेट अवेलेबल है जो एपी में भी हो, क्योंकि बी बराबर सी प्लस ए बाई टू ये क्या है, यानी कि साइड एबीसी क्या है, साइड एबीसी क्या है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी होना चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड भी होनी चाहिए, तो केवल एक का ऐसा एक ही सेट अवेलेबल है, 3-4-5 यानी कि राइट एंगल की ट्रायंगल की साइड 3:4:5 के अनुपात में हो, देखेंगे तो 5 + 3 8/2 यानी कि कितना आता है 4, और ये तुम्हारे एपी में 3 से 4 1 बड़ा है, 4 से 5 आपका 1 बड़ा है, क्लियर, केवल एक ही सेट अवेलेबल है, यानी कि ट्रायंगल की जो साइड है वो 3:4:5 क्यों होना चाहिए, यानी कि जो आपका पेरीमीटर है 4 × 3 = 7 = 5 = 12, 12 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये तो रेशियो है ना भाई, ये तो रेशियो है ना, यानी कि 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, टोटल कितना होगा 12 यूनिट, आंसर जो है आपका पेरीमीटर का वो 12 यूनिट का मल्टीपल होना चाहिए अगर वो इंटीजर साइड है, तो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे आपको 1290 1530 1800 और 1600, ना तो 1290 12 का मल्टीपल है, ना 1530 है, ना 1600 है, केवल 1800 ही 12 का मल्टीपल है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपका सी ऑप्शन 1800 इज ए पॉसिबल पेरीमीटर फॉर दिस काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है, गुड आउट, इसमें बहुत आसान सवाल था, इजी था, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैव 4, 5 और 6 इंटीरियर पॉइंट्स मार्क्ड ऑन देम रेस्पेक्टिवली, तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं भी होता तो भी आंसर सेम होता, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी,
और इसकी तीन साइड पे चार पांच और छह इंटीरियर पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑफ दीज पॉइंट, कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बन सकते हैं इन पॉइंट का यूज करके। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल इनकी साइड पे क्रम से इस पे चार पॉइंट है, क्लियर है, और इस वाली साइड पे कितने आपके पांच पॉइंट है, एक दो तीन चार पांच, पांच पॉइंट है, और इस थर्ड वाली साइड इस पे आपके छह पॉइंट है, एक दो तीन चार पांच छह। तो इन टोटल पॉइंट्स का यूज करते हो कितने ट्राइंगल आपके बनाए जा सकते हैं, कितने ट्राइंगल आपके पॉसिबल हैं, क्लियर है। तो ट्राइंगल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्राइंगल बनने के लिए आपको तीन पॉइंट चाहिए, तीन पॉइंट के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा आपका ट्राइंगल बन जाएगा, बट वो तीन पॉइंट हर तीन पॉइंट के कॉम्बिनेशन से आपका ट्राइंगल बनेगा, बट क्या होने चाहिए, थ्री पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, यदि कोलिनियर हो गए तीनों पॉइंट आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्लियर है। कोडाउट्स में पॉइंट्स आपको क्या कोलिनियर नहीं होने चाहिए, सबको बात समझ आई कि नहीं। चलिए, और मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यदि सपोज आपके पास n पॉइंट्स हैं, आपके पास स्पेस में n स्मॉल n पॉइंट्स हैं, और आप उसमें से तीन पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेके एक प्लेन बनाते हो, यानी कि तीन पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक ट्राइंगल बनाते हो, तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे यदि आपके पास स्पेस में n पॉइंट्स हैं और प्रत्येक n पॉइंट में से तीन पॉइंट ही आप एक वन टाइम कंसीडर करके ट्राइंगल बनाते हो, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे। कॉम्बिनेशन आपको चेक करने पड़ते हैं कि तीन पॉइंट के कॉम्बिनेशन से एक ट्राइंगल बनेगा, हमारे पास तो एन पॉइंट है, तो एन पॉइंट में से तीन तीन पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेके कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, मैंने बताया था आपको एनसी थ्री ट्राइंगल बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे, एनसी थ्री ट्राइंगल, एनसी थ्री क्वाड्रेटल एनसी फोर, इस टाइप से होता है लाइन एनसी टू, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे तो हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में चार पांच नौ छह पंद्रह टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है, 15 पॉइंट्स हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, तो ट्राइंगल भी कितने बनने चाहिए, ट्राइंगल भी आपके 15C3 बनने चाहिए, 15C3 ट्राइंगल बनने चाहिए, 15C3। बट अगर मैं ध्यान से देखूं इन 15C3 पॉइंट्स में से आपके ये चार पॉइंट, आपके ये पांच पॉइंट और आपके ये छह पॉइंट, ये तो कोलिनियर हो गए कि नहीं, ये तो आपके कोलिनियर हो गए, यानी कि इन चार पॉइंट से ये तो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे कि नहीं, तो इनमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या 4C3, क्योंकि इतने ट्राइंगल आपके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे चार पॉइंट के कोलिनियर हो जाने की वजह से 4C3, क्योंकि आपके चार अगर चार पॉइंट से कितने चार पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं होते, सपोज चार पॉइंट अगर आपके कोलिनियर नहीं होते तो कितने ट्राइंगल बनते, फिर 4C3 ट्राइंगल बनते, पर चार पॉइंट कोलिनियर हो जाने की वजह से आपके 4C3 ट्राइंगल का क्या हो गया, नुकसान हो गया, वो नहीं बन पाए, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना 4C3 टोटल ट्राइंगल जितने बनते थे उसमें से, ठीक है। इसी तरीके से आपके पांच पॉइंट कोलिनियर है, अगर ये पांच पॉइंट कोलिनियर नहीं होते इस तरीके से स्पेस में बिखरे होते तो मेरे पॉइंट ट्राइंगल जो बन जाते हैं 5C3 होते, लेकिन इन पांच कोलिनियर पॉइंट हो जाने की वजह से आपके 5C3 ट्राइंगल नहीं बन पाए, उनका नुकसान हो गया, तो इसमें से 5C3 और माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। इसी तरीके से ये छह पॉइंट कोलिनियर हो जाने की वजह से आपके 6C3 ट्राइंगल्स नहीं बन पाए, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये बनेंगे, बनने तो थे 15C3 लेकिन चार पांच और छह पॉइंट अलग अलग कोलिनियर हो गए, तो ये मुझे माइनस करना पड़ा। अब क्या करना है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, 15C3 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मैंने आपको समझाया, देखो यहाँ पे तीन है तो उल्टी गिनती लिखेंगे, 15 × 14 × 13 × 2 माइनस 4C3 का मतलब 4C1 होता है, 5C3 का मतलब 5C2 होता है, तो 5 × 4/2, 6C3 का मतलब कैसे लिखोगे, 6 × 5 × 4/3 × 2, इस टाइप से लिखोगे कि नहीं आप। चलिए, तो 3 × 5 = 15 और 2 × 7 = 14, 13 × 7 = 91 × 5, तो 5 × 5 = 45, 455 माइनस 2 × 2 = 4, 4 + 10 + 20, तो 20 + 10 = 30, 4 = 34, तो 455 - 34, 5 × 4 = 5 × 3 = 2, 421 टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 421 ट्राइंगल बनेंगे, क्लियर है। टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 421 ट्राइंगल बनेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, ऐसे तो एक लाइन का सवाल है, बट आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल बनेंगे कैसे, क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, यस, क्वेश्चन नंबर 55 एसएससी में दो तीन बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है। क्या बोला है कि यदि किसी ट्राइंगल की साइड x² - 1, x² + 1 and 2x cm हो, यदि किसी ट्राइंगल की साइड x² - 1, x² + 1 and 2x cm हो तो ट्राइंगल कैसा होगा, ये देखते ही फिगर आप दिमाग में याद कर लीजिए, x² - 1, x² + 1 and 2x, हमेशा ट्राइंगल जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल कैसा होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है इसमें, ये है सबसे लार्जेस्ट साइड x² + 1, और लार्जेस्ट साइड x² + 1 का जो स्क्वायर है वो आपके अदर टू साइड के स्क्वायर x² - 1 का होल स्क्वायर +2x² के बराबर है, क्लियर है कि नहीं, x² - 1 का होल स्क्वायर बराबर है तुम्हारा x² - 1 का होल स्क्वायर +2x के होल स्क्वायर के, और ये किसमें होता है, लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, दैट मींस ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए x² - 1, x² + 1 and 2x कॉम्बिनेशन, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, बट पेपर में यदि इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से प्रूफ नहीं करने लग जाएंगे x मान के, हमेशा क्या कर लीजिए कि यहां पे x की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, यहां पे क्या कीजिए आप x की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए और इसको x में छोड़ के किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में ले आइए और तब चेक करिए कि ट्रायंगल कैसा बना, क्योंकि x पे भी वही ट्रायंगल बनना है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे भी वो ट्रायंगल ही बनना है। यदि मैं इसमें x बराबर 1 पुट करूं तो 1 में पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और ट्रायंगल की साइड 0 होती नहीं है, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 × 4 - 1
अगर मैंने x की जगह यहां पे 2 पुट करा तो 2 दूनी 4 माइनस 1 ट्रायंगल की साइड हो जाएंगी 3, 2 दूनी 4 1 5, 5 और 2 दूनी 4 यानी कि ट्रायंगल की साइड 3 5 4 होगी। और ये देख के आप स्माइल कर सकते हो क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये अभी मैंने आपको याद कराया था, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप x x मान के करने के बजाय उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लीजिए x की, तब आप आसानी से उसको देख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को अवॉइड करेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 और 58 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ध्यान से देखना, अभी तक ये आपके एसएससी में नहीं पूछे गए हैं। क्लियर है? इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी आर दी लेग्स एंड सी इज दी हाइपोटेनियस, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में क्या है आपका, ए और बी तो लेग्स है और सी हाइपोटेनियस है, सी हाइपोटेनियस है और स्मॉल ए और स्मॉल बी ये क्या है आपके लेग्स हैं, तो ए सी हाइपोटेनियस हो गया, ए और बी आपके लेग्स हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, 57 में क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, ए प्लस बी बाई सी, क्लियर है कि नहीं, ए प्लस बी बाई सी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ सी बाई ए प्लस सी बाई बी, सी बाई ए प्लस सी बाई बी की मिनिमम वैल्यू बताइए, ये आपसे पूछा है। तो दो सवाल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है एबीसी, इसमें ए और बी क्या है आपके लेग्स है, परपेंडिकुलर है, सी हाइपोटेनस है, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी बाई सी की मैक्सिमम वैल्यू और सी बाई ए प्लस सी बाई बी की मैक्सिमम वैल्यू। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मिनिमम मैक्सिमा निकालना है, साइड में रिलेशन दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिनिमम मैक्सिमा निकालना है, साइड में रिलेशन देखा है, हमेशा आप चले जाएंगे 90-45-45 ट्रायंगल पे, 90-45-45 ट्रायंगल पे मूव कर जाएंगे, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा आपको 45-45 ट्रायंगल में मिलेगी। 45-45 ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी साइड हो गया आपका स्मॉल ए, साइड हो गया स्मॉल बी, साइड हो गया स्मॉल सी, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 45 है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल है आपके सामने ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट देगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमा साइड दे रखी है तो आप 90-45-45 ट्रायंगल पे चले जाएंगे, यही मिनिमम मैक्सिमा आपको देगा। क्लियर है ना? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है 45-45 यानी कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि अगर ये तुम्हारा 1 यूनिट है तो ये भी तुम्हारा 1 यूनिट होगा, अगर ये 1 यूनिट है 1 यूनिट है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा तुम्हारा √2 यूनिट होगा, क्या होगा √2 यूनिट होगा, यानी कि ट्रायंगल की साइड ए बी और सी, ट्रायंगल की साइड ए बी और सी 1:1:√2 रेशियो में होंगी, 1:1:√2 में होंगी, ट्रायंगल की जो साइड है वो 1:1:√2 में होंगी, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस क्या होगी √2, अदर क्या होगी आपकी 1 और 1। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी, तो ए प्लस बी बाई सी की मैक्सिमम वैल्यू ए की जगह 1 रख देंगे, बी की जगह 1 रखेंगे, सी की जगह √2, तो 1+1/√2 यानी कि 2/√2 √2, तो √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1+1/√2 यानी कि 2/√2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे इसकी मिनिमम वैल्यू, तो सी की जगह क्या रखेंगे आप √2, ए की जगह क्या रखेंगे 1, सी की जगह क्या रखेंगे √2, बी की जगह क्या रखेंगे 1, √2/1 √2/1 आंसर क्या आ जाएगा आपका 2√2, आंसर क्या आएगा आपका 2√2, 2√2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन है, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये सब रिजल्ट आया कहां से, मैं आपको वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हमेशा 45-45 चले जाएंगे। अच्छा, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व कर रहा हूं ऊपर वाला 57 ना, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी बाई सी की, ए प्लस बी बाई सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी बाई सी की मिनिमम वैल्यू कहने का क्या मतलब है, ए बाई सी प्लस बी बाई सी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ए बाई सी प्लस बी बाई सी की मिनिमम वैल्यू। अगर मैं सपोज इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ए बाई सी कहने का क्या मतलब है, ए बाई सी कहने का क्या मतलब है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कॉस थीटा, ए बाई सी कहने का क्या मतलब, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कॉस थीटा, बी बाई सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाई सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कहने का क्या मतलब है, साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा ना, यानी कि ए बाई सी प्लस बी बाई सी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और सभी को पता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हो आप, या कैसे निकालते हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √1² + 1² यानी कि √2, यही तो होती है, तो आंसर क्या है तुम्हारा √2। अरे ये है ना रिलेशन, है होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यदि आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, +√a² + b², यदि मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, −√a² + b², तो उसी से तो आया, अब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या थी 1 1, तो √1² + 1² क्या आएगा तुम्हारा √2, तो इस वजह से तुम्हारा ये क्या होता है √2, और मिलता किस पे 45 डिग्री ट्रायंगल पे मिलता है। क्लियर है ना, आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ सी बाई ए प्लस सी बाई बी, तो C by A और C by B की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। इसको मैं बताता हूं आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से, AMGM से, AMGM से, AMGM से आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। सपोज आपके पास दो नंबर है C by A और C by B, दो नंबर है, एक नंबर है C by A, एक वेरिएबल है C by A, दूसरा वेरिएबल है C by B, तो इनका अर्थमेटिक मीन, यदि मैं C by A और C by B की अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो इनका अर्थमेटिक मीन तो ये आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बट इनके ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा C by A गुणा C by B का अंडर रूट, और अर्थमेटिक मीन जो हमेशा बड़ा होगा तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन से। क्लियर है कि नहीं, या इक्वल भी हो सकता है जब नंबर बराबर है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए
Now, c by a plus c by b will always be greater than equal to 2 under root. ये क्या है तुम्हारा c by a into c by b क्या होगा? c square by a b. और c square का मतलब क्या होता है? c square का मतलब होता है a square plus b square by a b. ये होता है ना? c square मतलब hypotenuse होता है. a square plus b square by a b का क्या मतलब कहने का? a by b plus b by a. ये होगा ना? a by b plus b by a. यानी कि c by a plus c by b will always be greater than equal to 2 under root a by b plus b by a. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीज होती है x plus 1 by x, x plus 1 by x, x plus 1 by x की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मैं पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि साइड भी पॉजिटिव होता है, हर चीज यहां पे पॉजिटिव में चली, नेगेटिव कुछ नहीं है. x plus 1 by x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है तुम्हारी 2. x plus 1 by x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2. यहां पे x की जगह चाहे कुछ भी रखो, चाहे पॉइंट में रखो, चाहे पॉजिटिव में रखो, x के लिए 2 रखोगे तो 2 plus 1 होता है तो 2.5 हो गया, 1 ही रखोगे तो 1 plus 1 होता है 2 हो गया, 0.1 ही रखोगे तो 0.1 plus 1 upon 0.1, 0.1 upon 0.1 क्या होगा 10, और 10 plus 1.1 क्या होगा तुम्हारा 10.1. x plus 1 by x एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2. और ये भी तुम्हारा AMGM से ही आता है, क्वेश्चन भूल जाओ, यहां पे फोकस करो x plus 1 by x पे. एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल 1 by x है, इनका अर्थमेटिक मीन होगा ये, और जो इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा ये x into 1 by x. x से x कट गया तो x plus 1 by x will always be greater than equal to 2. दिखा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? यानी कि ज्योमेट्रिक सॉरी x plus 1 by x की जो वैल्यू है तो 2 से बड़ी होगी या फिर 2 के इक्वल होगी. क्लियर है? अरे बात समझ में ना सबको? ठीक. तो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो कोई फर्क है क्या? ये भी तो सेम चीज है. यदि a by b plus b by a, यदि मैं b by a को ध्यान से देखूं तो 1 upon a by b, यही तो आएगा 1 upon a by b. b by a का मतलब 1 upon a by b. तो लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ ये है a by b plus 1 upon a by b, a by b plus 1 upon a by b, यानी कि x plus 1 by x फॉर्म में लिखा हुआ है. तो यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू जाएगी आपकी 2. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी? आपकी 2. तो दिक्कत, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 जाएगी तो ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इसकी ये जो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी? अंडर रूट 2. तो c by a plus c by b will always be greater than equal to, इसकी मिनिमम वैल्यू अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2. c by a plus c by b की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2 अंडर रूट 2 से बड़ी होगी. बट आपको क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू पूछा है. या तो c by a plus c by b की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होगी या फिर उससे बड़ी होगी. तो c by a plus c by b की मिनिमम वैल्यू क्या जानी चाहिए तुम्हारी? 2 अंडर रूट 2. तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 अंडर रूट 2, दैट मींस बी ऑप्शन. क्लियर है? उट. तो अभी आपकी पूरी शीट खत्म होगी. मैंने आपके दो टॉपिक कवर कर दिए हैं, लाइंस एंड एंगल्स और आपके ट्राइंगल इनइक्वालिटी. और इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, उसके बाद हम ट्राइंगल में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम साइन रूल कोसाइन रूल इस पे आगे बढ़ेंगे. ठीक है? बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारे नए क्वेश्चन है. मुझे कुछ सिलेबस को सिर्फ खींचना है. सिलेबस खींचने के लिए आप अपने शहर के लोकल कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको पढ़ाना है रियलिटी में, आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में जॉब लाना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं. ठीक है? ध्यान रखना अपना. टेक केयर. बाय.